संविधान इंडिया। Take us very mama for my beloved husband. Wow. क्या हुआ मम्मा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे बहू के रूप में तुम जैसी बेटी मिली है जो मेरे बेटे से इतना प्यार करती है। खुशनसीब तो मैं हूँ कि पवन से शादी करके मुझे आप जैसी माँ मिली है। अरे तुम दोनों माँ बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो दिल्ली चले, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बेटा, 1 घंटे का सफर। चलो जल्दी कमल। चलो पापा, वी आर रेडी। बस वो रोहित को कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि हम अभी निकल रहे हैं। जल्दी कॉल करो, फोन तो मिल जाए। अरे तुम्हारा फोन मैंने उधर नहीं देखा है। ओहो बड़ा खूबसूरत है बिल्कुल तुम्हारे। हेलो हेलो रोहित। हाँ सिद्धि, वहाँ सारा सेटअप हो गया? हाँ यहाँ सब रेडी है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रोहित, चलो बाय। मम्मा पापा जल्दी कीजिए। ओके 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 चलो। देखा आपने कितना अच्छा ड्राइव करती है मेरी बहू, अगर आप चलाते ना तो हमें जरूर यहाँ पहुँचने तक आधा घंटा लेट हो जाना था। अच्छा बाबा ठीक है, अब जल्दी चलो, से सरप्राइज देना है। कम ऑन कम ऑन क्विक। हेलो बेटे, जीते रहो। पवन कहाँ है? अपने कमरे में, शाम से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अच्छा अंकल, ये हमारे वार्डन है। ओ नमस्ते जी। नमस्ते। नॉर्मली मैं फैमिलीज को इस तरह से अलाउ नहीं करता हूँ, लेकिन रोहित ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि ये पवन की पहली मैरिज एनिवर्सरी है और आप लोग उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, वी रियली अप्रिशिएट इट। आप लोग जाके सेलिब्रेट कीजिए। चलो चलो चलो, मिलते हैं बेटा। और सर कॉफी पिए, चिली पिलाता हूँ। हाँ हाँ चिली। पवन दिल्ली के आईटी कॉलेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन रोजाना फरीदाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर आना जाना उसके लिए काफी थकावट भरा। इसीलिए 6 महीने पहले पवन अपने माता पिता के घर से अपने कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। इम्तिहान की वजह से पवन अपनी शादी की पहली वर्षगांठ पर भी अपने घर नहीं जा पाया, इसीलिए उसकी पत्नी सिद्धि ने खुद ही पवन के हॉस्टल जाकर उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। लेकिन उसके लिए खुशी का ये सबसे बड़ा दिन पूरे परिवार के लिए मातम में बदल गया। आखिर कैसे, किसने किया पवन के हॉस्टल में उस पर यह जानलेवा हमला? क्या था इस साजिश का सच? सर मेरी कल शाम में ही पवन से बात हुई थी, वो आज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सर मैंने पवन के फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की, उसके मरने से पहले सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया था। सिद्धार्थ? यस सर। कौन है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ यही इसी हॉस्टल में रहता है सर। सर कल रात में पवन और सिद्धार्थ का झगड़ा हुआ था और उनके रूम में से कुछ आवाजें, लंडे की आवाजें आ रही थी सर। यही है सर सिद्धार्थ का रूम। चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ। जाओ। ये कभी जिंदा
इसने बहुत पी रखी है। उठो उठो। सर मैंने आपको कितनी बार समझाया सर, मैंने पवन को नहीं मारा है। हाँ मेरी बहस हुई थी उसके साथ, लेकिन पर मैंने मारा नहीं उसको सर। देख हाँ सर, मैं उसको वार्न करने गया था सर। वार्न करने गया था तू? हाँ। क्यों वार्न करने गया था बोल, क्यों गया था बोल। सर कुछ दिनों से उसका अफेयर मेरी गर्लफ्रेंड दिव्या के साथ चल रहा था सर। झूठ बोल रहा है सर सिद्धार्थ, मेरा और पवन का कोई अफेयर नहीं है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? पागल है वो, एक नंबर का सनकी है। पवन और मैं सिर्फ अच्छे क्लासमेट्स हैं और कुछ भी नहीं। आपके हाथ पे ये चोट कैसे लगी? सिद्धार्थ की वजह से। पवन असाइनमेंट्स बनाने में मेरी हेल्प कर रहा था, तभी वह सिद्धार्थ आ गया, पवन से झगड़ा करने लगा। जब मैंने दोनों को मारपीट करने से रोका तो मुझे चोट लग गई। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है? पता नहीं सर, लेकिन सिद्धार्थ बहुत वायलेंट है, कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है सिद्धार्थ की वजह से आज पवन की ये हालत हो गई। आई विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए। देखो सिद्धि, मैं तुम्हारे पति को तो वापस ला नहीं सकता, हाँ लेकिन इतना वादा तुमसे जरूर करता हूँ, जिसने भी उसे मारा उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर आई फील ऐसी हालत में सिद्धि को परेशान करना ठीक नहीं है। इट्स ओके रोहित, आप सर आपको जो पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। सिद्धि कभी तुम्हें ये शक हुआ कि तुम्हारे पति का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है? ये क्या कह रहे हैं? देखिए शायद आपको पता नहीं लेकिन आपके पति का अपनी क्लासमेट दिव्या के साथ भी अफेयर था। ये क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। सर पवन ऐसा लड़का नहीं था, वो सिद्धि को बहुत प्यार करता था। ये तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं उसे सालों से जानता हूं, वो अपनी हर पर्सनल बात मुझसे शेयर करता था। जब से हॉस्टल में आया है दिन रात बस सिद्धि सिद्धि करता। दिव्या, दिव्या सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड है सर, पवन उसे पढ़ाई में हेल्प करता था बस। सर ये पवन के पर्सनल लेटर्स हैं जो उसने मेरे लिए लिखे थे, उसके जाने के बाद उस पर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाइए आप सर। हो गया ना, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरा पवन किसी दिव्या को नहीं जानता था, उसका दिव्या से कोई लेना देना नहीं था। I'm sorry सिद्धि, क्या करें ड्यूटी ऐसी, शक करना पड़ता। सर
क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। सिद्धि बताइए ना, क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? देखो, क्या हुआ? क्या हुआ हंसराज जी, आप रो क्यों रहे? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से मेरा बेटा एक बहुत अच्छे जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस लेटर को। उसका जो पापा को लेटर भेजा, उसने उसे तीनों तो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी तक कर दी। आज सुबह ही लेटर आया, लेकिन बहुत देर हो गई इंस्पेक्टर साहब, बहुत देर हो गई। पुलिस को अब तक पवन के कत्ल से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस को लग रहा था कि पवन की हत्या सिद्धार्थ ने की है, लेकिन सिद्धार्थ ने अब तक ना तो एक बाले जुर्म किया था और ना ही सिद्धार्थ की शर्ट पर जो खून के निशान मिले थे वो पवन के ब्लड सैंपल से मैच करते थे। पवन ने जो खत सिद्धि को भेजे थे उनकी जांच से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। लिहाजा पुलिस ने सिद्धि द्वारा पवन को भेजे गए लेटर्स की जांच करने का फैसला किया, और जब उन्होंने पवन के हॉस्टल में उसके लॉकर से वो लेटर्स निकाले तो आखिरकार वहां उनके हाथ एक सुराग लगा। जी, हमें सिद्धि से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। आइए। अकेले सिद्धि जी, दिव्या और पवन के अफेयर का हमारा शक एकदम सही था। ये फोटोग्राफ हमें हॉस्टल से पवन के लॉकर में से मिला। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये मेरा पवन नहीं हो सकता है। दिव्या ने भी पवन के साथ अपने किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन अब वो कोई झूठ नहीं बोल पाएंगे। नहीं सर, मैं अभी भी नहीं मानती, मेरा पवन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा किया, ये फोटोग्राफ सबूत है उसका। ऐसा नहीं हो सकता है सर, मैंने इस पे विश्वास किया। शादी वो लेटर, वो बातें, वो झूठा सर, शायद इसलिए वो जिद कर रहा था हॉस्टल में रहने का। सर, हॉस्टल के स्वीपर को हॉस्टल के कंपाउंड से एक चाकू मिला है जिस पर खून के निशान भी हैं। शायद पवन का कत्ल इसी से हुआ है। गुड, एक काम करो, उस चाकू को फौरन फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के लिए लैब भेज दो। ओके सर। दिव्या को बुलाइए। कहाँ है वो, मुझे पूछताछ करनी है उससे। जी इंस्पेक्टर साहब, दिव्या तो घर पे नहीं है, वो अपने नाना के यहाँ रोहतक गई हुई है। रोहतक? जी। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे रोहतक से वापस बुलाइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी वो। मैं अभी फोन कर देती हूँ, कुछ बात हो गई है इंस्पेक्टर साहब। जब वो वापस आएगी आपको पता चल जाएगा, आए तो इन्फॉर्म करिए मुझे। चलो। जिस चाकू से तूने पवन का खून किया था ना, वो हमें मिल चुका है और उस पर तेरी उंगलियों के निशान है, समझा? सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पता तुझे, पवन तेरी गर्लफ्रेंड उससे छीन रहा था और तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दिन उसे धमकाने नहीं मारने गया था। ये देख। नो, हटा उसको सर, आई कैन नॉट सी सर, आई कैन नॉट सी सर, मैं कुछ कर दूंगा सर। और क्या करेगा तू, हैं? खून तो तूने कर ही दिया, पवन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर तू बर्दाश्त नहीं कर पाया ना, उस वक्त तू कुछ भी कर सकता था, है ना?
पागल हो गया था सर मैं उस रात भी जब मैंने ये फोटो पहली बार देखी थी ना सर। पहली मतलब? मुझे किसी ने ईमेल किया था सर। ईमेल? किसने ईमेल किया? मुझे नहीं पता सर, किसी अननोन ईमेल आईडी से आया था ये फोटो मुझे सर। सिद्धार्थ तू सच सच बता। चौहान इसका मोबाइल चेक कर। पवन मर्डर केस की तफ्तीश जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, जांच के नए आयाम खुलते जा रहे थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो तस्वीर सिद्धार्थ की ईमेल आईडी पर किसने मेल की? क्या कोई सिद्धार्थ को पवन का कत्ल करने के लिए उकसा रहा था, या फिर सिद्धार्थ पुलिस को गुमराह कर रहा था? जाहिर है जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के लिए मेल के इस खेल को समझना बेहद जरूरी हो गया था। लिहाजा इस अननोन ईमेल आईडी को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने एक आईटी एक्सपर्ट की मदद ली। लेकिन इस ईमेल को ट्रेस करना उस एक्सपर्ट के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि ये ईमेल किसी बेहद स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के जरिए भेजी गई थी। पता चला ये मेल जहां से किया गया उसकी लोकेशन उसी हॉस्टल की है, पर ये किसकी मेल आईडी से किया गया है ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की मेल कोई आईटी एक्सपर्ट ही कर सकता है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपर्ट है कौन? देखिए इसकी डिटेल्स तो आपको कॉलेज के इंटरनेट सर्वर से ही मिल सकती है। आई कैन गिव यू द यूजर नेम ओनली। किरण विश्वात्मा जी। सर ये यूजर नेम विश्वात्मा हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट रोहित वैद्य का ही है। ओके ठीक है। रोहित घर पर नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताएं क्या बात है? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के का मर्डर किया, साइबर क्राइम किया उसने, फांसी के फंदे से उसे कोई बचा नहीं सकता। नहीं नहीं कर सकता मेरा बेटा ऐसा, वो नहीं कर सकता ऐसा। सिने किया ये? आपके घर की तलाशी का वारंट है मेरे पास। रोहित का कमरा कौन सा बताइए मुझे, तलाशी लेनी है मुझे। वो है रोहित का कमरा। मुझे लगता है रोहित को भनक लग गई है कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं। तुम एक काम करो उसके घर पे नजर रखो, वो वहां जरूर आएगा। ठीक है हाँ। दिव्या वापस आई क्या? मैंने उसकी माँ को कल सुबह तक उसे थाने लाने के लिए कहा था। एक काम करो तुम उसके माँ के साथ दोबारा कोऑर्डिनेट करो। ये देखिए सर दिव्या और पवन की वही तस्वीर, ये फाइल्स हमें थ्रैश बिन में मिली है। ये देखिए ओरिजिनली ये तस्वीर पवन और सिद्धि की है, और रोहित ने फोटोशॉप की मदद से सिद्धि की जगह दिव्या के फोटो को प्लेस कर दिया है। ये काम इतनी सफाई से किया गया है कोई इस पर शक भी नहीं करेगा। विश्वात्मा सिद्धार्थ को पवन और दिव्या का फोटोग्राफ मेल करके उसे पवन के मर्डर के लिए उकसाने के पीछे कारण क्या? ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ मैंने सिद्धार्थ को मेल किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो पवन को मार डाले। मैंने तुझसे पूछा तूने ऐसा किया क्यों? बबल! सिद्धार्थ दिव्या को लेकर बहुत पजेसिव था, ये बात कॉलेज में सब जानते थे। मैं उसे उकसाना चाहता था ताकि वो कुछ ऐसा करे कि उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाए। ये पवन मेरे और दिव्या के बीच में आ रहा है, शादीशुदा है, लेकिन भाई मैंने पवन को बहुत समझाने की कोशिश की कि दिव्या का पीछा छोड़ दे, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब छोड़ो। अरे तू बोल यार, तू बोल।
भाई भाई मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा। भाई मैं दो मिनट में आया। तू बैठ के पी। हाँ हेलो हेलो रोहित। हाँ सिद्धि आप लोग निकल गए? आप लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं, वहाँ सारा सेटअप हो गया। हाँ यहाँ सब रेडी है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। थैंक यू सो मच रोहित, चलो बाय। ओके बाय। मैं तो सिर्फ चाहता था कि सिद्धार्थ गुस्से में पवन के साथ हाथापाई करे और सिद्धार्थ को शराब पी के हॉस्टल में झगड़ा करने के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था सर कि वो मेरे दोस्त को मार डाले। सिद्धार्थ को रेस्टिकेट करवा के तुझे क्या फायदा? क्योंकि तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा बिकॉज आई लव दिव्या और वो भी मुझसे प्यार करे। अगर सिद्धार्थ हमारे रास्ते का कांटा था, इसलिए मैं चाहता था कि वो मेरे और दिव्या के बीच से हमेशा के लिए हट जाए। पवन का फोन भले ही सिद्धार्थ ने किया, लेकिन तू भी उसका बराबर का हिस्सेदार है। मुझे दिव्या से बात करनी है। क्या स्टेटस है उसका? सर वो कल अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाए। यादव को लगा। सर नहीं सर, सर प्लीज मेरी दिव्या से कुछ मत पूछिएगा सर। सर वो बेकसूर है सर, सर उसे कुछ नहीं पता सर। सर आपने मुझे बुलाया था यहाँ। सिद्धि आइए बैठ के बात करते हैं, आइए। मैं समझ सकता हूँ कि इस सब पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात रोहित ने खुद कबूल की। तुम खुद को पवन के बचपन का दोस्त मानते हो? फिर ये सब क्या किया तुमने? तुमने अपने दोस्त को मरवा डाला, मेरे पवन को मरवा दिया तुमने। मैं उसे मरवाना नहीं चाहता था सिद्धि। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रोहित। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी चाहत और खुशी को हासिल करने के लिए इंसान इस हद तक खुदगर्ज हो सकता है, सोचकर यकीन नहीं होता। तो क्या अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक दोस्त ने अपने ही सच्चे दोस्त को मोहरा बना दिया? पुलिस को दिए रोहित के बयान से तो यही जाहिर हो रहा था कि उसने दिव्या को हासिल करने के लिए और सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटाने के लिए पवन को मोहरा बनाया। पुलिस को लग रहा था कि उनकी जांच पड़ताल से ये केस अब जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ के बाद पवन के कत्ल की साजिश रचने वाला रोहित भी उनकी हिरासत में था। लेकिन रोहित के बयान की सत्यता परखने के लिए उनका दिव्या से पूछताछ करना बेहद जरूरी था।
लेकिन इससे पहले कि पुलिस दिव्या तक पहुंच पाती, इस केस ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया। लगता है कोई पीकर चला रहा था। मर गई सर, पता करो किसी ने कुछ देखा। किसने कुछ देखा क्या? हाँ साहब, एक मरून कलर की वैन इसे उड़ाकर चली गई। किसने उसका नंबर नोट किया? हाँ साहब, पूरा नंबर तो देख नहीं पाया, लेकिन हाँ, लाश का नंबर 8 और 9 था। 8 और 9? रोहित ऐसा कर सकता है। रोहित की गर्लफ्रेंड तो दिव्या है ना, लेकिन उसके लैपटॉप में तो सिर्फ सिद्धि सिद्धि है। बस वही कहीं पर पवन है। दिव्या का एक्सीडेंट से मरना ही कुछ कम एक्सटेंड नहीं है सर। और वो चाकू, इससे पवन का कत्ल हुआ हॉस्टल में स्वीपर को कत्ल के बाद मिला था, जबकि उस कत्ल वाले दिन हम लोगों ने पूरी छानबीन की थी, कुछ भी नहीं मिला था हमें। और ये भी तब हुआ जब हमें लगने लगा कि सिद्धार्थ इनोसेंट है। सही कह रहे हैं। ये देखिए सर, तो रोहित भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। ये पवन और सिद्धि भी तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। हाँ सर। एक बात समझ में नहीं आ, रोहित की गर्लफ्रेंड दिव्या, तो फिर वो उसे यहां छोड़कर अकेला ऑस्ट्रेलिया? रोहित का पासपोर्ट दिखाओ। वहां है सर। का वीजा रिजेक्ट हो गया। क्या बात है सर, आप क्या सोच रहे हैं? चौहान, ये जिस गाड़ी से दिव्या का मर्डर हुआ था, वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने क्या नंबर बताया था उसका? 8 और 9 ही पता चला था। 8 और 9? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चला। क्या बात है ऑफिसर? केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी। अभी तो मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। जब पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा। चलो। आप लोग चिंता मत कीजिए। आई एम सॉरी सिद्धि जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नो सर, थैंक यू। एक्चुअली हमें वो मेहरून कलर की वैन मिल गई, उस पर उसके खून के धब्बे भी थे, जिसको पहुँच कर साफ करने की कोशिश की गई। वो वैन रोहित के पिताजी की। ये कैसे हो सकता है सर? आई एम शॉक। उन्होंने मुझे बताया कि वो वैन उस रात दिव्या का मर्डर हुआ था, उन्होंने आपको दी थी। हाँ, मैंने उनकी गाड़ी ली थी। एक्चुअली सर, मुझे मम्मा के घर से कुछ सामान शिफ्ट करना था, इसलिए। सिद्धि जी, मेरी एक बात समझ में नहीं है। जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड के मर्डर में रोहित का भी हाथ, फिर भी आपने उसके पिताजी की मदद की, क्यों? सर, उनके पापा खुद हमारे घर पे चल कर आए। उन्हें उसके किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी, फिर जब उन्हें पता चला कि मैं मम्मा के घर जा रही हूँ, तो उन्होंने वैन यूज़ करने के लिए इंसिस्ट किया। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई सर। अच्छा, एक बात बताइए सिद्धि जी, उस रात वो वैन थोड़ी देर चोरी हुई थी? नो सर, उस रात वैन हमारे घर पे ही थी। वो एक्चुअली क्या है कि कल रात रोहित हमारी कस्टडी से फरार हो गया, सारी रात मैंने में, लेकिन सुबह हमने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिद्धि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ज-
जब रोहित हमारी तस्वीर से फरार हुआ था तो वो वहां से सीधा आपके घर गया। वहां से उसने वो वैन चुराई, चुराने के बाद दिव्या का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसने वो वैन वापस आपके घर में रख दी और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन सर, वैन तो पूरी रात हमारे घर पे थी। Are you sure? Yes, I'm sure. ठीक है सिद्धि जी, फिर तो हमें जरूर आपको दिव्या के हिट एंड मर्डर केस में अरेस्ट करना। हालांकि मैं जानता हूं आप इनोसेंट, आपने कुछ नहीं किया। देखिए, रोहित आपको दिव्या के मर्डर केस में फंसाना चाहता है, जैसे उसने सिद्धार्थ को फंसाया पवन के मर्डर केस में। रोहित ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा कर दिया है। आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, सोचने की कोशिश कीजिए, हो सकता है वो वैन उसी ने चुराई हो। आप देखिए, अगर आप सच बता देंगी तो हो सकता है हम रोहित को सख्त से सख्त सजा दिलवा सकते हैं। फिर आपको भी तो अच्छा लगेगा कि आपके पति को न्याय मिला। देखिए सिद्धि जी, पवन के मर्डर केस में हम रोहित को बहुत ज्यादा सजा नहीं दिलवा सकते, लेकिन दिव्या के मर्डर में उसका सीधा सीधा हाथ है। अगर आपने हमें सच बता दिया तो हम उसे सख्त से सख्त सजा दिला पाएंगे। देखिए, फिर दिव्या के मर्डर केस में मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। यस सर, उस रात वैन चोरी हुई थी। गुड, आपने तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। रोहन, बाहर आओ। तो मिस्टर रोहित वैद्य, अब आप सब कुछ सच सच बताएंगे या अभी भी आप अपनी गर्लफ्रेंड सिद्धि को बचाने की कोशिश करेंगे? लेकिन बचाए कि भी कैसे, वो तो खुद ही अपने बयान में फंस चुकी है। यू, मैंने सब छुपा के तुझे बचाने की कोशिश की और तूने मुझे फंसा दिया। सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे झूठ बोला था। रोहित कल हमारी जेल से फरार हुआ ही नहीं था और आप हमारे झूठ में उलझ गए। वैन तो चोरी हुई ही नहीं थी मैडम। शादी से पहले ही मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे, पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी पवन से करवा दी। शादी के बाद भी मैं और रोहित एक दूसरे को मिलते थे। मैं पवन को ना नहीं कह सकती थी और रोहित के बगैर भी नहीं रह सकती थी। फिर रोहित ने भी ऑस्ट्रेलियन वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। सिद्धि, अगर तुम उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। इस रिलेशन को कभी ना कभी तो खत्म होना है। नहीं, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं इसे कभी खत्म होने नहीं दूंगा। हमें कैसे भी करके पवन को ऑस्ट्रेलिया जाने से रोकना होगा। How is that possible? तुम जानते हो यहाँ सिचुएशन क्या है। सुनो, एक तरीका है, पर तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा। फिर उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए हमने सिद्धार्थ जैसे बकरे को चुना। उस रात मैंने उसे पवन के खिलाफ भड़काया, लेकिन सिद्धार्थ ने इतनी पीली कि पवन बच गया। दिव्या के नजदीक आता है मेरा होते हुए। सिद्धार्थ, देख, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन। देख, तूने बहुत पी रखी है, बेहतर यही होगा कि हम कल सुबह को बात। तेरी कोई बात नहीं सुननी मेरे को। तू मेरी बात सुन, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात, समझा ना। शादी शुदा है तू, फिर भी ऐसी छूटी नहीं तुझसे। सिद्धार्थ, हो नहीं तू करे। जब सिद्धार्थ मेरा प्लान पूरा नहीं कर पाया तो मैंने खुद इसे कंप्लीट करने की सोची।
और उसकी बॉडी पे घाव बनाए, सिद्धार्थ के कपड़े फाड़ दिए, फिर उसका चाकू लेकर पवन के कमरे में गया। मुझे कॉरिडोर में स्टोन्स की आवाज सुनाई दी, इस चक्कर में मैं चाकू ठीक से प्लांट नहीं कर पाया, खिड़की से कूद कर भाग गया और फिर पवन और दिव्या की फोटो उसके लॉकर में प्लांट कर दी। फिर जब मुझे पता चला कि पुलिस का सिद्धार्थ पे शक हल्का पड़ता जा रहा है, तो मैंने चाकू ऐसी जगह प्लांट किया कि स्वीपर को मिल जाए। जब मुझे पता चला कि आप दिव्या से पूछताछ करने वाले हैं, तो रोहित ने उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए मैंने उसे मार दिया। इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। आखिरकार पवन को इंसाफ मिला। पवन की हत्या में रोहित का साथ देने के लिए उसकी पत्नी सिद्धि को आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और रोहित को पवन की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज दोनों ही जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों की जिंदगियां भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और जरा सी असावधानी से कई जिंदगियां तहस नहस हो सकती है। ऐसी ही असावधानी हुई पवन के माता पिता से। उन्होंने सिद्धि की पिछली जिंदगी के बारे में जाने बिना अपने इकलौते बेटे की शादी उसके साथ कर दी और नतीजा दिव्या और पवन को अपनी जान गंवानी पड़ी। शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी या जबरदस्ती ना करें, बल्कि बेहद सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़े। सिर्फ लड़के लड़की के बारे में ही नहीं, उनकी पिछली जिंदगी, उनके परिवार और नजदीकी दोस्तों के बारे में भी पूरी जानकारी कर लें, उसके बाद ही रिश्ता जोड़ें, ताकि आपका और आपके अपनों का जीवन खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। इसी निवेदन के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।